भूयंग्ने संस्मितं श्री आचार्यभक्ति गाश्यं कुर्वेहम्।
अविनाशी है। विनाशी होने पर भी अविनाशी, अविनाशी होने पर विनाशी, द्रव दृष्टि से अविनाशी, पर्याय दृष्टि से विनाशी। अविनाशी पर दृष्टि है तो चैतन्य परम आह्लाद को प्राप्त होता है, विनाशी पर दृष्टि है तो खिन्नता को प्राप्त होता है। जैसे स्वद्रव्य को अविनाशी देखता है जीव, ऐसे पर द्रव्य को भी अविनाशी देखने की दृष्टि बनाना चाहिए। अपने सामायिक में ध्यान में बैठ करके स्वद्रव्य के चिद ब्रह्म की अखंडता को तुम ध्रुव देखते हो, ऐसे ज्ञानी प्रत्येक जीव द्रव्य जिस जिस पर्याय में है उसकी पर्याय पर दृष्टि रखते हुए भी अविनाशी द्रव पर दृष्टि की आवश्यकता है। यदि ऐसा नहीं करोगे तो स्वयं के प्रति तुम अविनाशित्व का बोध कर रहे हो और संबंधी का वियोग होने लग गया तो तुम्हारा रोना प्रारंभ हो चुका। जब आपकी स्वयं की आत्मा अविनाशी तुम समझते हो तो फिर प्रत्येक जीव की जो जो पर्याय में जीव है, क्रमवर्ती पर्यायों में वर्तन कर रहे हैं जितने जीव, संपूर्ण जीव द्रव्यत्व दृष्टि से अविनाशी हैं। इसलिए जो संकल्प विकल्प शोक का कारण बन रहा है, ये तथ्य पर्याय के साथ जो तुम्हारा स्वार्थ जुड़ा हुआ था, उस स्वार्थ की पूर्ति का अभाव होते दिख रहा है। इस विकल्प में आपकी आंखों में अश्रुपात हो रहा है। यदि संवेग ही था तो संवेग को आपको उस दृष्टि में देखना चाहिए था, किसी के पर्याय वियोग होने पर अश्रुपात करना मात्र संवेग भाव नहीं है। संवेग भाव को आपको अनेक रूप में देखने की आवश्यकता है। जगत काय स्वभाव संवेग वैराग्यार्थम, जगत काय स्वभाव वा संवेग वैराग्यार्थम। जगत का चिंतन करना संवेग है और शरीर का चिंतन करना वैराग्य है। जगत से विरक्त होना संवेग है और देह से विरक्त होना वैराग्य है। एक दृष्टि धम्मे धम्म फलम्मी हर्षो हन्ति संवेगो, धर्मो धर्म के फल में हर्षित होना संवेग है। दूसरी दृष्टि मित्र, तीसरी दृष्टि संसार, संसार दुखा नित्य भूरता संवेगा, संसार दुख नित्य भूरता संवेगा, संसार के दुखों से नित्य भयभीत रहना, इसका नाम संवेग है। तो संसार के दुखों से नित्य भयभीत होना, इसका तात्पर्य क्या हुआ? आपके मस्तिष्क में, आपके नेत्रों के सामने भोला चार गति के क्लेश दिखना चाहिए सामने, अक्लेश भाव से। आइए मित्र, उमा स्वामी महाराज ने द्वादशांग से सार निकाल करके तत्वासूत्री महाशास्त्र के अंदर छठवें अध्याय में सूत्र दिए हैं, उन सूत्रों पर भी साधक को चिंतन करना चाहिए। वे सूत्र यदि चिंतन में नहीं आए, मैं पुनः कहूंगा आगम को, द्रव्य आगम को भाव आगम की ओर ले जाइए। शब्द ब्रह्म से आपको ज्ञान ब्रह्म की ओर जाना चाहिए। बाह्य अर्थ का बोध मात करते रहे तो आपके जीवन में कोई भी सुधार नहीं आ पाएगा। पुनः पुनः समझना, बाह्य अर्थ को मात्र आप श्रुत को पर उपदेश के लिए अध्ययन करते रहे, आपका निजी जीवन में कोई सुधार नहीं होगा। अथवा श्रुत को अध्ययन करके अगला पक्ष चक्र श्रुत का अध्ययन करके उत्कृष्ट यम की व्याख्या आपने पढ़ी,
उपेक्षा संयम की आपने व्याख्या पढ़ ली, अप्रद संयम को बारे में कुछ सोचने नहीं चाह रहे हो। अप्रद संयम भी संयम है, उपेक्षा संयम भी संयम है, ये दोनों ही संयम का स्वरूप आपने समझ लिया। समझने के उपरांत इतना ज्यादा समझ लिया, ज्ञान में बिठा लिया, लवकुश बेटा सुन यहां पर क्या हो रहा हूं, आपने साधना के मार्ग को आगे में पढ़ लिया। अब जो साधक साधना कर रहा है, आप पढ़ चुके हो बेटा, वे साधना कर रहे हैं। साधना के काल में तीन मौसम बदलते हैं वर्ष में, ग्रीष्म, शीत, वर्षा। तीनों मौसम में बेटा आपका भोजन बदलता है, तीनों मौसम में आपका पहनाव बदलता है, तीनों मौसम में आपके शरीर में परिवर्तन होता है, शरीर का रंग बदलता है। ये व्यवस्था आप अपने में देखते हो, एक साधक की साधना में देखना चाहिए। कोई साधक आपके नगर में ग्रीष्म काल में पधारे, बेटा आपने उनका विश्राम छत पर कराया, उनसे आप प्रभावित हो गए। खुली छत पर बैठे के वो सामय कर रहे थे, खुली छत पर वो मैदान में विश्राम कर रहे थे, आप अपने घर से देखते कि महाराज जी मुझको दिख रहे सामय करते। इसी बीच में दूसरे महाराज जी आए, वो शीतकाल में आए, वे कमरे के अंदर बैठ के सामय कर रहे थे, कपाट बंद थे। आपका सोच कि महाराज कितने अच्छे थे, सारी क्रिया खोल के करते थे, ये महाराज कैसे आए हैं, कपाट बंद करके कुछ पता ही नहीं है सामय कर रहे कि नहीं कर रहे। बेटा तुमने ये तो परीक्षण किया कि वो महाराज जी छत पर बैठे थे, हम लोग अपने घर से ही देख लेते थे, ये महाराज जी तो कमरे के अंदर बैठे हुए पता नहीं सामय कर रहे कि नहीं। बालक लव, ये दृष्टि बेटा तेरी नहीं, अज्ञानी लोगों की है, तो इतना विवेक नहीं लगा पाए उस मौसम में आए थे। तब ग्रीष्म काल था इसलिए बाहर बैठे थे, शीत काल में जब हम श्रावक रजाइयों में सिकुड़ते हैं, वे मुरझात बिना वस्त्रों के कक्ष में ध्यान कर रहे हैं। पंडित साहब ऐसी अज्ञानियों की भूल होती है। एक जगह सुब्रत सागर जी में बिहार करके पहुंचा, ग्रीष्म काल की कड़क दोपहरी एक बजा, एक श्रावक कहता महाराज जी हमारे नगर में एक महाराज जी आए थे, वे तो एक बजे बिहार करते थे, आप कब करोगे। मैंने कहा पांच बजे करूंगा। आप पांच बजे बिहार करोगे, हमारे महाराज जी तो एक बजे कर जाते थे। मेरे मित्र आप मेरे साथ एक वर्ष रहो, उत्तर आपको मिल जाएगा। उनसे हमने कहा आप ये तो बताइए महाराज जी जो एक बजे बिहार कर गए थे वो मौसम कौन सा था। बोले ठंडियों का मौसम था। उनके मित्र सर्दियों में साधक एक बजे बिहार कर जाए तो विकल्प नहीं है, करना ही चाहिए, लेकिन पांच बजे नहीं कर पाएंगे ठंडियों में, रात्रि हो जाएगी। लेकिन ग्रीष्म काल में आप एक बजे बिहार कराओगे, मालूम चला उनकी पर्याय से ही बिहार हो जाएगा। जेठ के महीने में कड़क के दोपहरी में एक बजे जहां लू चल रही हो बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र में, वहां तुम कह रहे कि एक बजे बिहार कर दो महाराज जी, तो मतलब मैं क्यों बोल रहा हूं ये विषय, इसलिए कह रहा हूं कि व्यक्ति को आगम का अभ्यास कर लेना अलग विषय है, लेकिन आगम की अभ्यास मौसम का भी अभ्यास करना चाहिए, ऋतु का भी अभ्यास करना चाहिए और प्रकृति का भी अभ्यास करना चाहिए। किसकी शीत प्रकृति है, किसकी उष्ण प्रकृति है, किसका पित्त वैषाम्य है, किसका कफ वैषाम्य है, किसका वात वैषाम्य है, उसके अनुसार आपको साधु की वृत्ति देखना चाहिए। और ये बात ग्रस्तों को ही नहीं, साधुओं को भी साधुओं की देखना चाहिए।
मूलाचार प्रदीप मूलाचार जी प्रवचन सार की चरणानुग चूलिका में कुंद कुंद स्वामी ने लिखा है, एक वयोवृद्ध मुनिराज की प्रवृत्ति को देख करके युवा मुनि भैसी प्रवृत्ति ना करें। वृद्ध साधक हैं, यदि दीवार से टिक्के भी बैठ गए हैं उनकी सामा की तुम प्रशंसा करो कि एक वृद्ध अवस्था में जहां व्यक्ति चारपाई पर पड़ा होता सिसक सकता खकारता खांसता, धन्य वे योगीश्वर 90 साल की उम्र में 70 साल की उम्र में 100 साल की उम्र में अपनी सामायिक में तल्लीन है, ऐसे वृद्ध साधु के चरणों में प्रणाम करो। अब एक युवा साधु 28 साल का 21 साल का वो कहता है, स्वामी गुरुजी ये वृद्ध नहीं कर पा रहे तो मैं क्यों करूं, हम तो युवा हैं, इनको तो करना चाहिए। बेटा तुम युवा हो ना, शरीर स्वस्थ है, तुमको बैठ के नहीं खड़े होके करना चाहिए, साधना करो, उत्थित उत्थित करो। अभी मोक्ष मार्ग जो है कितना गहरा गंभीर है, संवेग की परिभाषा करते समय आपको 3 विषयों पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, संसार दुखात, संसार दुखान नित्य भूरता संवेगा, संसार दुखान नित्य भूरता संवेगा, ये परिभाषा राजवार्तिक जी में लिखी हुई है। संसार दुखान, अब दुखान क्यों है, घसी रात, घस को आत हुआ है, यहां पर घसी को आत हुआ है, आत के संसार दुखान तो ना यहां क्यों हुआ कि सामने ना है। पंचमे पंचा नित्यम, पंचम अक्षर आने से पंचम अक्षर हुआ दुखात, पंच संसार दुखान नित्य भीरुता संवेगा, तो नित्य शब्द सामने होने से ना सामने है, इसलिए चक्रेश ना के होने से ताको भी ना हो गया है, तो संसार दुखान नित्य भूरुता संवेगा, संसार के दुख से नित्य भयभीत रहना इसका नाम संवेग है। अब समझिए जहां 34 नंबर की गाथा की व्याख्या कर रहे हैं वहां पर इस विषय को कितने अच्छे से आपको समझना है। हे जीव संसार दुखा बढ़ जात्या जी, अपने सामने देखो, बोला एक तरीके से मत देखो, यहां तुम्हारे साता का उदय चल रहा है, लावंतरा क्रम का क्षोभसम चल रहा उदय में आ रहा है, भोगंतरा क्रम का क्षोभसम तुम्हारे पास है, वो भोगंतरा क्रम का क्षोभसम तुम्हारे पास है, वीरंतरा क्रम का क्षोभसम तुम्हारे पास है, इसलिए ऋषभ पंडित जी भैया के चेहरे पर मुस्कुराहट है, उन बेचारे जीवों से पूछो मनुष्य गति में ही त्रिंचों जैसा जीवन जी रहे हैं। पंडित जी मनुष्य गति में ही त्रिंचों जैसा जीवन जी रहे हैं, सुबह से बेचारा जंगल में जाके लकड़ी निकाल करके सिर पर वजन लाद करके और नगर की ओर आ रहा है, पर ये कौन सा जीवन है, एक पशु पर जैसे वजन लादा जाता है ऐसे सिर पर वजन ढोके आया है, बेचारा बाजार में बेचेगा लकड़ी, सरवार सरवार सागर बेटा करो अपने सलेह के हाथ, सुबह से तुम्हारे सलिया में लाइन लगती है और सिर पर लकड़ी रख करके जंगल से ला करके बेचारे बेच रहे हैं, वो लकड़ी जब बिच जाएगी तब नमक तेल खरीद करके जाके उनके घर में भोजन बनेगा, और जिस दिन लकड़ी नहीं मिली उस दिन घर में चूल्हा नहीं जला। इस वेदना को देखना आपको, हे महा महत, हे महामंत, हे महंतो श्रमणो, धन्य आपके उच्च कुल को, जिस कुल में उच्च चारित्र का पालन परंपरा में चला है वही उच्च कुल है, और जिस कुल में परंपरा से नीच कर्म होते हैं पंडित साहब वही
नीच गोत्र है। आपके कितना पुण्य प्रचंड था कि मनुष्य पर्याय का सुख तुमको मिला है। संसार नित्य विवृता विष्णु सागर जी, महात्मा जी इधर देखना, सब सुख मिल गए आपको, सब सुख मिल गए आपको। सहा बंधुओं की सहारता नहीं मिली, ये जीवन का महान दुख। जो तुम्हारे मित्रगण हैं, जो तुम्हारे भाई बंधु हैं, तुम्हारे पिता पुत्र आदि संबंधी हैं, इन सब में प्रीति वात्सल्य और एक दूसरे के प्रति उत्साह भरने की सामर्थ्य जिस घर में हो, वो घर मेरे मित्र देवताओं का घर है। यदि श्रवण संघ है, एक साधक दूसरे साधक को प्रति बहुमान के भाव रखें, विनय के भाव रखें, इस बात को स्वीकार करें। और भाग्य मेरा कि आपको नमस्कार करने को मुझे अवसर मिला। तीन कम नौ कोटि मुनियों को जब वंदना करते आप आंख बंद करके, वे सभी तुम्हारे सामने नहीं, परोक्ष है। प्रत्यक्ष में सप्तम और षष्टम गुणस्थान वृत्ति, प्रमत्त प्रमत्त गुणस्थान वृत्ति जितने मुनीश्वर हैं, उनको पिच्छू उठा के वंदना कर लो। बोले क्यों? ओ भाग्य मेरा, रागी ग्रस्त जय जिन्हें नहीं कर पाते हैं आपस में, तो पता नहीं कितने पंथों में बटा जगत है, कितनी परंपराओं बटा जगत है, कितनी जाति उपजन बटा जगत है, किस किस कुमार में जीरा जगत है। कहीं कुछ कहने को मिलता, कहीं कुछ कहने को मिलता, तुमको नमोस्तु कहने को मिल रहा है। नमोस्तु कहने को मिल रहा है। त्रिंश गति की वेदना तो अत्यंत दुरूह है, मनुष्य गति की वेदना पर विचार करो। महात्मा सुब्रत सागर जी, जिस घर में बिटिया बहू बन के गई है, उस घर में उसको प्रताड़ित किया जा रहा हो, एक भी सदस्य उसकी रक्षा करने के लिए ना खड़ा हो, हर व्यक्ति बिल्ली कुत्ते जैसे उस पर भौंक रहा हो, उस बेटी से पूछना तेरे जीवन की मनुष्य पर्याय का क्या सुख है। इतना ही नहीं, ऐसे भाई बंधु को आपने देखना। कल परसों मेरे लिए कोई कह रहा था कि एक नगर में दो भाइयों ने मिलकर के अपने एक भाई के दोनों हाथ पर कुल्हाड़ी से काट दिए। वहां कोई स्वान नहीं था ना, कोई शेर नहीं था ना, चक्रीय सत्य घटना तीन दिन पहले की है। एक भाई ने अपने सगे भाई के दोनों हाथ पैर काट दिए। कोई दूसरा मारता तो भाई भाई के पास भागता, भाई ने ही पैर काट दिए। माने देवी के नाम पर बेटे के गले पर कुल्हाड़ी मार दी। पिता ने पुत्र की खेती मांगने पर तलवार लेकर के दिन के 12 बजे मुख्य रोड पर बेटे की गर्दन काट दी। मनुष्य गति की अवस्था देख लो बेटा, क्या है। आप यहाँ 24 पिच्छेधारी इतने ब्रह्मचारी गण एक साथ रह रहे हो बेटा, यही बहुत बड़ा मंत्र है, यही बहुत बड़ी तंत्र साधना है कि इतने लोग एक साथ तुम प्रेम वात्सल्य से कैसे निवास कर रहे हो। सगे भाई दो मिनट शांति से नहीं बैठ पाते। संसार नित्य विहूर्ता पर दृष्टिपात करो, फिर यहां
साधन तुम्हारे लिए साता साता के उदय के नहीं आश्रो बंद के मिल रहे हैं। साता के आश्रो बंद के निमित्त मिल रहे हैं, असाता के निर्दा के निमित्त मिल रहे हैं। खोजबीन करो मित्र। महात्मा सुब्रत साग जी, जिसको एक दिन के साग के लिए भोजन के लिए एक छोटी सी लौकी खरीदने के जाना पड़ता, उससे पूछना कैसा लगता है? जब तक आप ये जो चिंतन नहीं करोगे ना, तब तक साधु जीवन की साम्यता का आनंद नहीं लूट पाओगे। भड़बड़ी का जीवन मत जीना बेटा, पीयूष, भड़बड़ी का जीवन नहीं जीना बेटा। अब हम शांत होकर चिंतन करेंगे। त्रिन जगती की वेदना हो, नरक की वेदना हो, देव गति के लोक कसाय की वेदना हो, चारों गतियों में जीव क्लांत है, तो एक साधक निहारता है ये चारों गतियां दुखपूर्ण है, इसलिए मुझे वह उपक्रम करना चाहिए जिससे चतुर्गति का विनाश हो और पंचम गति अविनाशी गति का प्रादुर्भाव हो। आत्मा, इन चार गति का चिंतन करने वाले के चिंतन में आत्मा की अनादिता सिद्ध है, इसलिए चिंतन कर रहा है। पुनर्भव है, अपुनर्भव की प्राप्ति का उपक्रम है। संसार पुनर्भव है, चक्रे संसार पुनर्भव है, सिद्ध पर्याय अपुनर्भव है। अपूपुब्बम रिब्बाणम, अभूतपूर्व निर्वाण है वो, कैसी पर्याय है? अपुनर्भव पर्याय है, अब बदलेगी नहीं, अपुनर्भव पर्याय है। पूर्व में जाइए, अपर में जाइए, वर्तमान में रहिए। कई भी दृश्य भी देखो, चित्रकूट में, चित्तौड़गढ़ में आचार्य वीर सिंह स्वामी श्री धवला टीका लिख रहे हूं। वे दिन भी देखना, जिनसेन प्रथम, जिनसेन द्वितीय, कभी हरिवंश पुराण लिख रहे हैं जिनसेन द्वितीय मालवा में। सुब्रसार उस गांव से अपन निकले हैं जहां हरिवंश पुराण का लेखन हुआ है, मालवा में। आचार्य ब्रह्मदेव सूरी केशव राय पाटन में ब्रह्मदेव सूरी लिख रहे हैं आपकी टीका बृहद्देव संग्रह की, धार के पास में, इंदौर के पास में एक नगर है जहां पर आचार्य जिनसेन द्वितीय ने हरिवंश पुराण की रचना की। अब ये क्यों मैं दिखा रहा हूं आपको? आइए कुंद कुंद के विशाल मुनि संघ को देखो, आरत बलि स्वामी के चरणों में यति सम्मेलन को देखो, आचार्य भद्रभाव स्वामी के संघ में तत्काल में 24,000 मुनियों को देखो बेटा, वो दृश्य कैसा होता होगा। तीर्थंकरों के समूषण में लाखों लाखों श्रमण श्रमणियों को देखो, श्रावकों को देखो, 12 सभा को देखो, फिर निर्णय करो। सर्वोदय शासन में हम दीक्षित हुए हैं,
और इस शासन में दीक्षित होकर के न्याय नीति का भेदन करते हुए मित्र चार गति के दुखों से व्यूढ़ता का चिंतन करना और चिंतन करते हुए दुखी प्राणियों को देख करके दुखी नहीं होना, आपको उनके दुख में लीन होगे ना आगे काम नहीं कर पाओगे। उनके दुखों को देख करके, उनके मरणासन्न अवस्था को देख करके भी जैसे मित्र एक भी त्रागी श्रमण घोर उपसर्ग मनुष्यकृत त्रियंचकृत देवकृत अचेतनकृत इन घोर उपसर्गों को सहन करता हुआ भी अपने ध्रुव ज्ञायक चित्त भाव को देखता है, चित्त स्वभाव पर दृष्टिपात रखता है, इसलिए खेद नहीं आता है, देह विघटित हो जाती है, चैतन्य परमात्मा हो जाता है। वैसा ही दूसरे की देह विघटित देख करके विपुल निर्णय तो करना है, अविनाशी को मत भूल जाना, अन्यथा अपनी देह के वियोग पर रोए नहीं हो, बंधु की देह पर रो रहे हो, कर्म नहीं कहेगा कि बंधु की देह से रो रहे हो, कर्म कहेगा तुम शोक में हो, असाता का बंधु होगा, होगा नियम से होगा। समय तो आ चुके हैं, वियोग तो होंगे, समय तो आ चुके हैं, बोला वियोग तो होंगे, कभी किसी इष्ट का वियोग होगा, कभी किसी इष्ट का वियोग होगा, मित्र संयोग भी होंगे, अनिष्टों के संयोग भी होंगे, उन दोनों पीरियड में दोनों कालों में आपको समीकरण भावों का बिठाना है। पंडित जी मल्ली कुमार शास्त्री द्रोणगिरी का वियोग हुआ, आप निर्णय कर चुके थे कि शास्त्री जी का वियोग होने वाला है, किंचित पिता के रिश्ते में विकल्प तो आए ही होगा, लेकिन निर्णय भी कर चुके थे 90 वर्ष की उम्र में जीव कब तक रहेगा, सत्य है। जब वो जीव है वृद्ध उच्छन के शरीर को अच्छे से देखना चाहिए, बुंदेलखंडी भाषा कहें अघा के देख लो एक बार, अच्छे से देख लो एक बार, मिश्र सागर जी अघा के देख लो एक बार, फिर निर्णय करना ये आकार विघटित हो जाएगा, पर जो आकार को प्राप्त किए हैं वो विघटित कभी नहीं होगा, इसके बल पर ही हम साधना करते हैं, अन्यथा एक और गहरी बात आपको बताएं, जिसकी मृत्यु होती ना वो नहीं रोता, वो तो दूसरी जगह पहुंच चुका है, रोते वे हैं जो मरे नहीं, रोते कौन है, जो घर में है उन्हें रोना पड़ता है, जो गया ये देव बना तो उत्पासैया में जाके मुस्कुरा रहा है, वो तो रोते वे हैं जो साथ नहीं जाते। इसका मुझे बहुत अच्छे से अभ्यास है ना, यदि मैं विहार करूं कोई मुझे साथ में छोड़ने जाए तो वो नहीं रोता, जो छोड़ने ही नहीं जाते हैं गांव में वापस लौट आते हैं वे रोते हैं, बोले महाराज जी चले गए, और साथ में हो जाए तो क्यों रोए। इसी प्रकार से किसी की मृत्यु को देख करके उसके साथ हो जाइए, मतलब मर मत जाना, विषय पकड़िए उसके साथ हो जाइए, बोले मतलब साथ कैसे, अरे देह से मर करके साथ होने की तुम चिंता करोगे तब भी नहीं हो पाओगे, लेकिन साथ हो जाइए, बोले कैसे, आप देख रहे हो, आप देख रहे हो जिसका संयोग था उसका वियोग नित्य था, ये वियोग जो हुआ है इसके नवीन संयोग को भी मैं देख रहा हूं, चिंतन में हम साथ जा रहे हैं,
करके उत्पाद से यहाँ पे पहुंच चुका है। हम यहाँ आंखों में उत्पाद मचाए हैं, क्यों ना हो जिसने मरण किया है, जिसने मरण किया है यदि सुमरण किया है तो हम उस सुमरण का स्मरण करें, वो अपने सुमरण की तैयारी करें। आंखों सुझाने से संलेखना नहीं होगी आपकी, पानी बहाने से सदगति नहीं होगी आपकी। गुरु की भी यदि समाधि हुई है तो बोला रोने से तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, तत्व निर्णय करो। जैसे ही उन्हें मोक्ष मार्ग को चुन करके स्वीकार करके पालन करके और अपने समाधि की उज्ज्वलता को प्राप्त किया है, वो समाधि मुझे प्राप्त होना चाहिए। युग समय ऐसा है, यदि अरंडी के वृक्ष पर फलियां आ चुकी हैं, क्या अरंडी के पौधे पर पंडित फल लग चुके हैं और लगे लगे एक दो महीने तीन महीने हो चुके हैं, मित्र अब तुम चाहे रो चाहे हंसो चाहे गाओ, उनके चटकने का समय आ चुका है। अरंडी के फलियां लगी हुई हैं, उनके चटकने का समय आ चुका है। अनंग सागरी चटकने का समय आ चुका है। कोई सोमवार को, कोई मंगलवार को, बुधवार को, रविवार को, मेरे मित्र गुरुवार को, तो मेरे मित्र कोई किसी दिन जाएगा, कोई किस दिन चटकेगी फली तो चटकेगी। ऐसे ही आयु क्रम चटक जाएगा, वो हंस निकल जाएगा, निकल जाएगा, निकल जाएगा। इसलिए पारस चटकने के पहले ऐसा कुछ कर लो जिससे जिससे अग्नि में ना सिकना पड़े, सिद्धत्व में जाके बैठना पड़े। ये गाथा सूत्र क्या हुआ, ये गाथा सूत्र यही कह रहा है, चार गति के दुख से भयभीत होना पर रोना मत, दूसरे की पीड़ा से भी तुम्हारा सुधार नहीं होगा, दूसरे के प्रसन्न होने से तुम्हारा सुधार नहीं होगा। इन सबको आपको संवेग भाव से देखना है, सहज भाव से देखना है। सहज भाव से देखना है इस जगत की, प्रपंच की बातें सुधर सागर जी अनंत काल से करते चले आ रहे हो, अनादि से करते चले आ रहे हो, अनंतता में करते जाओगे। विश्वास मान बेटा, विश्वास मान ज्ञानी। एक कोई सज्जन साम्य सागर से कह रहे थे, हमको तो सुनने को ही नहीं मिलता, पर साम्य सागर का भी धर्म है, उन्हें मिले ना मिले लेकिन आपको तो मिल रहा है, उसे आप सुनो, उनकी मत सुनो, अपवाद हो जाएगा। विष्णु सागर जी, किसी दुखिया के दुख ज्यादा सुनने एकांत में बैठ मत जाना, बैठ मत जाना, वे दुखी थे, तुम्हें दुखी कर दिया जाएगा। विशुद्ध सागर अपना गुरु भाई मानते हो और ये सब गुरु मानते हैं, तो इस बात को आज मेरी आप गांठ बांध लीजिए, किसी दुखियों के ज्यादा दुख सुनने मत बैठ जाना एकांत में, क्योंकि उस दुखिया के भी कोई संबंधी है, वे संबंधी तुम्हें दुख देना प्रारंभ कर देंगे। बोली क्या बात है, ये बात क्यों कर रहे हैं। बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा रहस्य है। जिसके चबूतरे पे बैठने के लायक का घर है, उसे चबूतरे पे ही बैठ के आना, उसके घर में आंगन में नहीं जाना।
जिसके आंगन में जाने लगता है तुम्हारा स्थान है, तो आंगन में ही जाना, उसके रसोई घर में मत प्रवेश करना। और रसोई घर में ही तुम्हें जाने के लिए बुलाया गया तो वहीं मात जाना, उसके बैठक कक्ष में मत चले जाना, बदनाम हो जाओगे। ओहो हो, क्या लोक व्यवस्था है ये मुनिराज पंडित साहब प्रतिदिन श्रावक के घर जाते हैं चर्या के लिए, लेकिन फिर भी श्रावक मात्र उसी गली से ले जाता है जहां उसको ले जाना पड़ता है, और आंगन से रसोई घर तक ले जाता है। अनेक कक्षों में वो महाराज को लेकर नहीं जाता है, और यदि महाराज जी आहार करने के बाद उसे किसी भी कक्ष में घुसने की चेष्टा भी करेंगे तो स्पष्ट बोल महाराज जी ये रास्ता नहीं है, स्पष्ट बोलता है साक्षात बोल महाराज जी ये रास्ता नहीं है। मतलब तुम्हारा रास्ता यही है कि सीधे आप आहार करिए और सीधे निकल जाइए, बैठने की चेष्टा करोगे तो फिर आप बदनाम हो जाओगे। इसलिए मुनिराजों को श्रावक के घर में निवास करना, विश्राम करना, वहां बैठ के सामायिक करना, ये पूरा आगम में निषेध है। मौन से जाओ, मौन से वापस आ जाओ। चाहे ब्रह्मचारी हो चाहे श्रमण हो, आप गृहस्थ के यहां भोजन करो, शांति से अपने स्थान पर आओ। और जहां तुमने संबंध बनाए, माता पिता बनाए, बहन भाई बनाए, विश्वास रखना, वहां तुम सुनिश्चित मान के चलना, कुछ दिन के बाद तुम्हारे निजी माता पिता तुम्हारा नाम लेना बंद कर देंगे। इसलिए मोक्ष मार्गी जीवों को मोक्ष मार्गियों के साथ ही सहचर करना चाहिए, रागियों के साथ बिल्कुल भी निवास नहीं करना चाहिए। आइए, इसलिए गाथा सूत्र में जो कह रहे हैं कि जिन जीवों की मानसिकता है कि आत्मा नष्ट हो रही है, उनसे कहने की आत्मा नष्ट नहीं हो रही, आत्मा परिवर्तन कर रही है। इस परिवर्तन का वर्तन ऐसा हो ऐसा हो, फिर चार गतियों परिवर्तन न हो, उसकी मर्यादा का बोध हमने अभी आपको कराया है। अबरल भाई, खिन्नत्व वही है, खिन्नत्व वही है बालक, खिन्नत्व वही है, क्या भिन्नत्व में राग है। डायरी पे नोट कर लीजिए आप। सिद्धम भाई, कितने समाचार लोगे, खिन्नत्व वही है या भिन्नत्व में राग है। बेटा पारस, भिन्नत्व में राग न होता ना तो कभी खिन्नत्व मस्तिष्क में नहीं आ सकता। झांसी से यहां तक बालक आपने मुझे देखा है, भगवान को भी देखा है। मित्र, जिसका भिन्नत्व में राग बढ़ जाता है उसके जीवन में खिन्नत्व को प्रवेश करना ही पड़ता है। अरुण, सासू है कि गई है, कहीं उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो आपको वहां जाना पड़ता है कि नहीं? जाना पड़ता है। मित्र, जब उनकी बिटिया लेके नहीं आया था तो उनको बीमारी होती थी तब जाते थे देखने? ओहो हो, बस यानी इतनी सुना था, जब तक जानते नहीं थे तो उनके दुख सुख में तुमको जाना नहीं पड़ता था, और जब से जानने लग गए, भिन्नत्व में राग बढ़ गया तो तुमको पर का खिन्नत्व प्राप्त करना पड़ता है। योगी धन्य जो संबंध प्राप्त किए उसको छोड़ने का पुरुषा कर रहे हैं, फिर भी यदि आज नए समत्व सागी, यदि कोई व्यक्ति नया भिन्नत्व में अभिन्नत्व देखना प्रारंभ करे, भिन्नत्व में मित्र राग बढ़ाएगा वर्तमान में, तो यही मान के चलना हम भविष्य का खिन्नत्व बढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं, जबकि चित ब्रह्म की सुख के लिए हम निकले थे। सारस्वत सागर कोई आहार देने जाने लगे चार दिन, और पांचवें दिन कहते हैं विश्व सागर जाओ, योग्य सागर पास जाओ, तो भिन्नत्व का राग खिन्नत्व दे देगा।
नहीं तो कहेंगे सरवा सागर जी, अनुपम सागर जी मेरे आओ, दूसरे जाओगे नहीं, और जाओगे तो आना मत मेरे पास। ओहो पिन्ने, भिन्नत्व का राग खिन्नत्व को देता है बेटा। विषय को समझिए, विषय को समझिए। हम पूरी व्याख्या आपके सुख के लिए कर रहे हैं, और फिर भी ओहो पंडित जी, एक एक मेरी दीक्षा होते ही बिहार हुआ सोनागिरी जी के लिए, आचार्य विराग सागर जी ग्वालियर भिंड से, ग्वालियर ग्वालियर से सोनागिरी डबरा दतिया के बीच में आ रहे थे। पंडित जी एक ऐसी घटना घटी कि थोड़ी दूर पर संघ की चर्या होनी थी, बस जहां संघ को चर्या करना था वो सामने स्थान दिख रहा था, उसी बीच में लगातार वो बम्बई रोड है, बम्बई सोनागिरी का जो रोड है ना वो बम्बई रोड है सीधा, तो बम्बई जाता सीधा का सीधा, ग्वालियर से बम्बई को निकल जाता वो रोड। सुबह सागर जी एक कुत्ता आया और ट्रकों की लाइन लगी थी, 10-15 ट्रक एक साथ इकट्ठे निकल पड़े। बड़ा सुंदर स्वान था, बड़ा सुंदर कुत्ता बफा, एकदम मोटा तगड़ा बेचारा दौड़ता है और एक ट्रक के नीचे आ गया। सारे साधु, अरे ये क्या हो गया बेचारा, वो देखना वो ट्रक के नीचे आया, ऐसा भाग्य था उसका, वो बच गया, वो बाहर निकल गया। बाहर निकला तो सब महाराज लोग खुश हो गए, बोले ये उसके प्राण बच गए, प्राण बच गए। वो काए काए करता हुआ जब तक दूसरा ट्रक उसके अंदर घुस गया, तो उससे बच गया। और मालूम जैसे सब खड़े हुए देख रहे, कोई कुछ नहीं कर पा, क्योंकि ट्रकों की लाइन लगी है। और वह फिर बाहर गया, और पंडित जी उसको पता नहीं इसका यम आ गया, वो कुत्ता फिर से अंदर आया तो तीसरे ट्रक के टायर के नीचे आकर उसके चिथड़े चिथड़े निकल गए। मौत कह रही थी बेटे यहीं आ जाओ, ऐसे मित्र गुरु समझा रहे हैं, प्रभु समझा के जिनवाणी दे के चले गए, आचार्य लिख के चले गए, गर्दर गुंथन करके चले गए, फिर भी उस श्वान की भांति जिसको कर्मों के चके में पिसनी है वे कोई अनुशासन में नहीं जी पाएंगे। आप खिन्न मत हो, खिन्न मत हो, विश्वसार खिन्न मत हो। उस श्वान की आयु आयु चुकी थी, तब ऐसे ही कहना पड़ेगा बेचारा तीसरे ट्रक के चके के नीचे के चितड़े उड़ गए। ऐसे मित्र तुम बार बार समझाओगे जीव को, कितनी करुणा से समझाओ, लेकिन जिनको भिन्नत्व में राग है उन्हें खिन्नत्व प्राप्त करने का नियतता आ चुकी है। रावण को कितना समझाया कहां सुधर पाया। शम के लिए संबोधन है, अभी तक दूसरे के लिए मैं संबोधन कर रहा था, मैं विशुद्ध सारु संबोधन कर रहा हूं कि महात्मा जी समझाओ समझाओ, लेकिन तुम्हारे सामने सामने स्वात की मौत हुई थी। विश्व सागर में सामने खड़ा खड़ा देख रहा था, मैं छुल्लक था सामने खड़ा खड़ा देख रहा था, लेकिन एक कोई रक्षा नहीं कर पाया उस बेचारे की। दो ट्रकों से बाहर बच गया और तीसरे ट्रक के नीचे आके खत्म ही हो गया। आचार्य विराग सागर उस दिन अब आहारचर्या को निकलना था, सब साधुओं के भाव एकदम विभल थे, समय चेंज किया समय की, इसके बाद साधुचर्या को निकले। ऐसी दशाएं कितनी बार हो चुकी हैं मित्र, स्वान की पर्याय देकर तुम चेहरा बना रहे हो, अपने भावों की विशुद्धि के लिए तुमने कितनी बार भिन्नत्व के राग में कुचल डाला, उसके लिए कोई दया नहीं आ रही आपकी। वो दया आना चाहिए, वो दया आना चाहिए, वो दया आना चाहिए। विशुद्धि को कैसे कुचल डालते हो, विशुद्धि के लिए, प्रणामों की निर्मलता के लिए, सहस्रों जन्मों के फल से एक बार विशुद्धि बनती बेटा, उसको एक क्षण में हम विलीन कर लेते हैं। मालूम कन्नौज का नाम सुना आपने, कन्नौज उत्तर प्रदेश में है, जहां सेंट आता है। औरंगाबाद में आचार्य सरमती साहब महाराज विराजमान थे, कन्नौज का एक श्रावक आया सुब्रत सागर जी, मालूम क्या बोल रहा था महाराज जी,
शिष्यों की स्थितियां सेंट की आती, कोई सेंट नहीं है। मिट्टी का, सरसों का आदि तेल के ड्रम होते भर करके रखा जाता है, उसमें एक छोटी शिशी छोड़ दी जाती है। ये तो थी सामने एक पूरा महकता है वो एक ड्रम। अब सुनिए सोमी क्या बोल रहा था। सोमी कुंटलों कुंटल पुष्पों को सड़ाया जाता है, उसको खुद जीभ बिलबिलाने लगते हैं जितने सेंट लगा रहे हैं ना। सौरभ भाई सुन ले बेटा, जीवों को सड़ाया जाता है पुण्य सागर, वो सड़ा करके उनको फिर उबाला जाता है, उबाल करके फिर अर्क निकलता है। कुंटलों कुंटल में एक दो शीशियां छोटी सी भरती है वो अर्क की, वो है सेंट इत्र। ओहो, अब इसे पकड़ना मेरा क्या कह रहा हूं बेटा। किसी ने इतने कुंटलों फूलों को निचोड़ करके एक शीशी बना के दी महात्मा जी, किसी ने किसी को सेंट की, उसने ला करके उसको नाली में फेंक दिया। कितने फूलों से बना है ऐसे बेटा, कितने जीवन के आयु कर्म के मनुष्य गतियों के अनेक गतियों के फूलों से तुम चुन चुन के यहाँ आए हो, और वहां तुमने इतनी सी विशुद्धि पाई विपुल इतनी सी, और तनक में आपने उसको क्षण मात्र में तुलना करके समाप्त कर दी। तुम नानाचार पूरी विशुद्धि का नाश कर डाला। पंडित जी छत बिछत हो गया जी। अथ वर्तमान शरीर वत पूर्व शरीर संतान पीत सेव जीवस असत्वम। वर्तमान शरीर के समान पूर्व पर शरीर संतान पी, पर शरीर में वर्तमान के शरीर में जैसे हूं ऐसे भूत के शरीरों में रह चुका हूं और भविष्य के शरीरों में रहूंगा अथवा रहता है जीव। तस्य जीव अस्तित्वम, उसमें जीव का अस्तित्व है। देहा पृथकत्वम, देह से पृथक होने पर भी भवांतर गमनम कारणम चकती, भवांतर के गमन का कारण कहते हैं यहां पर। शव्वत्ति अत्थि जीवो सर्वत्र पूर्व प्रभव शरीर संतान यह वर्तमान शरीर जीवा ऐसे अस्ति न अन्यो नवतरा उत्पद्यन्ते चारमतम। बोले सर्वत्र पूर्व पर शरीर संतान, पूर्व पर संदूर संतान में वर्तमान में जैसा शरीर में आत्मा है ऐसा भूत के शरीर में भविष्य के शरीर में आत्मा वर्तन कर रही है। वर्तमान शरीर एव अस्तित्व अस्ति च न अन्यो नवतर, वही जीव है जो भूत में था वर्तमान में है भविष्य के शरीरों में रहेगा, वही जीव है। नवतर जीव नहीं है उत्पन्नते, नवतर उत्पन्नते चारवाक मतवत, चारवाक मत के समान कोई नवीन जीव की उत्पत्ति नहीं होती है। बहुत बढ़िया। एको निश्यन्ते वो एक ही निशेष देहेन सह न चेक तन्मया, लेकिन एक साथ देह में होने पर भी देह से तन में होने पर भी तद्रूप नहीं हो जाता। एको अनुपचरित असद्भूत भाने निकोपी होती, अनुपचरित असद्भूत भाने से देह और आत्मा एक हो करके भी किस्वात चेत एकट्ठो क्षीर नीरवत एक आर्थो अभिवन्नो, नीर और क्षीर दूध पानी की भांति एक में एक अभिन्न होने पर भी यह समात्मा सर्वत देह मध्य जीवोस्ति, देह मध्य में सर्वत्र जीव रहता है। न च एक देह से अथक सूक्ष्म, मात्र देह के एक देश में नहीं रहता है। सातम जी आत्मा सुदेह प्रमाण है, संपूर्ण आठ प्रदेशों में जीव है, एक अंश विशेष में जीव नहीं है, फिर भी देह रूप नहीं हो जाता। किस्मात नच एक देश अथवा सूक्ष्म केंद्रीय अपेक्षा और सूक्ष्म केंद्रीय जीव की अपेक्षा से सर्वत्र लोक मध्य जीव समूह अस्ति, सूक्ष्म केंद्रीय जीव संपूर्ण लोक मध्य में एक जीव समूह अवस्थित है। सच
यद्यपि केवल ज्ञानादि गुण सदृश अनेकत्वम, केवल ज्ञानादि गुण के सदृश एकत्व लभते एकत्र रूप है, तथापि नाना वर्ण वस्त्र वेष्ट षोडश वर्ण श्रुणवत शुकीय 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 श्रुणवत राशिवत सुखी सुखी लोकमात संके प्रदेश प्रदेश भिन्न तुति। यद्यपि जैसे केवल जी के ज्ञान में संपूर्ण विश्व लोकालोक झलक रहा है एकत्वभूत, अथवा केवली समुद्रघात में लोकपूर्ण समुद्रघात की अपेक्षा से संपूर्ण लोक उनके आत्म प्रदेश व्याप्त हैं, इसी प्रकार से सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव संपूर्ण लोक में पंचेंद्रिय ठसाठस भरे पांच पंच स्थावर इस लोकाकाश में ठसाठस भरे हुए हैं, फिर भी वे प्रत्येक जीव स्वतंत्र हैं। कैसे? जैसे कि सोलह स्वर्ण सुन सोलह ताव का शुद्ध सोना, और उस सोलह ताव का शुद्ध सोना है उसको एक एक डली नाना प्रकार के रंगों से युक्त कपड़े में रख दी गई। पंडित जी स्वर्णत्व स्वर्णत्व की दृष्टि से एकत्व होने पर भी जब प्रत्येक वस्त्र की डली को हम भिन्न भिन्न देखते हैं तो प्रत्येक डली भिन्न है, ऐसे जीवत्व जीवत की दृष्टि से संपूर्ण लोकाकाश के जीव एकत्वभूत हैं, लेकिन फिर भी वे एकत्वभूत एक होने पर भी ईश्वर अंशभूत एक नहीं है, परमात्मा अंश रूप एक नहीं है, वे सादृश अस्तित्व से अपेक्षा से एकत्व है, लेकिन स्वरूप की अपेक्षा सारे जीव भिन्नत्व भिन्नत्व भूत हैं। कितना ध्यान रखना पड़ता है कहीं कोई कर्तृत्व की सिद्धि ना हो जाए, कहीं कोई ईश्वर के एकत्व की सिद्धि नहीं हो जाए, इसलिए आचार्य कितना विवेक के साथ कथन करते हैं। अनंत पर्याय निकल गए जीव को सत्यार्थ बोध के भाव में सोते सोते, सत्यार्थ को समझ लेता तो जगती पर कहां भटकता सोते सोते। मोह की निद्रा में लीन है जीव, मोह की निद्रा में लीन है जीव, बेटा वही सुप्रभात होगा जिस दिन रत्नात्रय की सुप्रभावना होगी। आइए इसलिए स्वकेश की लोक असंख्य प्रदेश भिन्नम, प्रत्येक द्रव्य असंख्या प्रदेशी है अपने अपने लोक में। भवांतर गमन करणम कथते, अब भवांतर में गमन क्यों करता है जीव? अज्यवसाय विशिष्टो चिठदी मलनो रज मलिहीम, अद्यवसाय विशिष्टा रागादिक अद्वसाय से विशिष्ट संशिष्ट मलिन होता हुआ जीव रजमलई कर्म रज के मल से मलिन होकर के, तथा यद्यपि शुद्ध निश्चय न केवल ज्ञान दर्शन स्वभाव, शुद्ध निश्चय ने से केवल दर्शन स्वभाव, तथापि अनादि कर्म बंध वशात अनादि कर्म के बंध के वशान वसान मिथ्या रागादि अद्वसारूप भाव कर्म में मिथ्या जागृत भाव कर्म से जाल से जनकत द्रव्य कर्म बेष्टता ध्रुव कलम से बेष्टित होकर के हुआ था हुआ, भाव कर्म के नियोग से द्रव कर्म से बेष्टित होकर के, जैसे मालूम आप ग्रंथों को कपड़े बेष्टित करते हो बेष्टन में, ऐसे आत्मा भाव कर्म के नियोग से द्रव कर्म में लिपट रही है, लिपट रही है। मित्र समझो कर्म कांड को, समझो कर्म कांड छोड़ो, प्रपंच का कर्म कांड छोड़ो। शुद्धा भवांतरम प्राप्त शरीरम, भवांतर प्रति शरीर घृणार्थम, भवांतर को प्रति शरीर के घृण कर्म चेष्टा वर्तते चेष्टा करता वर्तन करता थी। अत्र सैव देहादि भिन्ने अनंत ज्ञानादि गुण शुद्धात्मा, अब यहां पर यह समझना देह आदि से भिन्न अनंत ज्ञान गुण से युक्त शुद्धात्मा भड़ता जो शुद्धात्मा का है स एव स्वासु संकल्प विकल्प परिहार काले, संपूर्ण स्वासु संकल्प विकल्प के परिहार काल में सर्वत्र प्रकार उपादेयम इति भावार्थ इति अभिप्रायः, संपूर्ण रूप से उपादेय भूत है ऐसा अभिप्राय जानना चाहिए। एवं इस प्रकार से मीमांसक नैयायिक सांख्य मतानुसारी
शिष्य संशय विनाशनार्थम मीमांसक नैयायिक सांख इन मत के अनुसार जो शिष्य के संशय के विनाश करने के लिए और विस्तार में समझना विश्व सागरी सत्य शासन परीक्षा आचार्य विद्यानंद स्वामी कृत ग्रंथ पंडित साहब ऋषभ भैया सत्य शासन परीक्षा जिसमें आचार्य विद्यानंद स्वामी ने संसार के संपूर्ण दर्शनों की व्याख्या पक्ष पूर्व पत्र करके उत्तर पक्ष में ऐसा निरसन किया है अपने आप में जैन वाङ्मय का न्याय शास्त्र का भूतपूर्व ग्रंथ सत्य शासन परीक्षा। इसलिए यहां पर इनके विनाश करने के कह रहे हैं बीन कसा भी गुप्पी मणंत मधु घादो तीजो आरो छत्तो सतमु केवलीडम तू इस सात समुद्घात हैं वेदना कसाय विक्रियक मानांतिक और तेजस आहारक और छठमो सप्तमो केवलीडम तु वो सातवा केवली समुद्घात इति गाता कथित समुप्तम समुद्घात समुप्त समुद्घातान विहाय इन सात समुद्घातों को छोड़ करके शुद्धे प्रमाण वाक्य मुखत्व ने आत्मा शुद्धे प्रमाण इस वाक्य करके गाता द्वयम गतम दो गाथा समाप्त आपका समय हो गया। गाथा का उच्चारण मात कर लीजिए फिर आप कल चर्चा करेंगे कल फिर आओगे। मित्र पर्याय तो सिद्ध गति के स्वभाव की गति का स्वभाव की व्याख्या आगे करेंगे। सिद्धानाम जीवदेह मात्र व्यवस्थापित जो सिद्ध जीव है वो देह मात्र व्यवस्थेय देह मात्र है इस पर व्यवस्था करते हैं देह प्रमाण होने पर भी देह शून्य है वे सिद्ध परमात्मा जिसम जी सहाबो नत्य बाबो सवात भिन्न देहा सिद्धा बची गोयरा गोयर मदीदा ज्ञानियों 35वीं गाथा को जिसमें सिद्धत्व देह प्रमाणत्व की व्याख्या करेंगे। सिद्ध परमात्मा जीव ही है अचेतन नहीं हो गए हैं इसकी सिद्धि आगे करेंगे। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम आत्मा स्वभावम परिभाव आत्मा का स्वभाव परवासत्व भिन्न महावीर स्वामी की नमो रिंताडम नमो सिद्धाण नमो आर्याणम नमो छोसाउम तो प्राणिक स्वाद्य निष्ठा बन गए पूर्वाचारण प्रसोत्साह भाव प्रिय।